हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और हम लग गए हैं अपने रूटीन पर। तो जी, इन सब ने जो है चारा खा लिया है, और इधर लाली भी वेट कर रही है और मेरी तरफ देख रही है कब मैं इसे यहाँ से खोलूं और वहाँ पर खुले में बांधूं, क्योंकि चारा खाकर एक बैठ गई है और एक वेटिंग में है। चारा खाने के बाद में पानी पिलाना पड़ता है और इनको इस टाइम नहलाना पड़ता है। ठंड ठंड में जो है ये छाँ छाँ में बाहर जो है रेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पर ये कच्ची मिट्टी है धरती। तो चलो जी, सबसे पहले किसको नहलाएंगे? गोरी गाय को। तो उसे लेकर आते हैं, वो काफ़ी देर से परेशान है। ये है नंदनी का अर्ली मॉर्निंग रूटीन। बॉल उठा लिया इसने, अब ये गोद में भी नहीं रुकती और ना ये खाट पर रुकती है। नीचे खेलती है, ये घुटने घिसवा लेती है अपने। देखो कितना भी रोक लो, अब इसका क्या इंतज़ाम करें कि ये फर्श पे जो है आराम से घूम सके। इधर माँ जो है मच्छरदानी की रिपेयरिंग कर रही है। इसका जो ये फॉल है ना, फॉल मच्छरदानी का, ये उखड़ गया, निकल गया ये, तो इसका फोल लगा रही माँ। मच्छर घुस गए थे क्या रे माँ इसमें रात? नहीं, मच्छर तो घुसे नहीं थे, दब तो जाया कपड़े के नीचे ना। अगर फिर भी लटकी तो फिर आया जिनको टिकर का डर है, इतनी दिन से दब जा, इसके वजन तो या थम जा, यानी हवा में जो या इसका ये नहीं होता फोल, हवा में निकड़ जाया उसमें तो कपड़े में। ये इसका फोल है, ये इसके सारे जो है चौकोर थमी रहे, लटक रहे हैं इसके पल्ले। तो माँ ने तो यहाँ रिपेयरिंग इसकी शुरू कर दी आज, कभी ज़्यादा ये उधर जा। और आरुषि भी जग गई है, नंदनी लग गई फोन में। क्या है ये? ये तो लाइटर हैं। ये किसके हैं? चाचा। चाचा क्या करते हैं इनसे? लाइट जलाते हैं। लाइट जलाते हैं, लाइट जल आग 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 जा। और ये क्या ले रही नंदनी? नंदनी किसका फोन है ये? किसका है बताइए? ये ताऊ जी का। बात कर रही है तो बात कर रही, कॉल आगे रिसीव कर ली इसने तो। ऐसा छोटा सा ये ताऊ जी का। अच्छा, ताऊ जी का है ये। गाय के बाद नंबर आ गया इसका भैंस का। और भैंस जो है ये हमारी ऐसी है नखरे वाली, नखरे आंखें तरेरती रहे हर टाइम जो भी इसके आसपास जावे, कुछ जनों को छोड़ के, पिताजी माँ और चाचा को छोड़ के। देखो इसकी भौंहें तनी रहे हैं हर टाइम। देखो डर डर के नहला रही है इसे, नहीं डर के नहीं, चारों तरफ डर के तो नहला ही रही। सामने से नहलाओ, हिम्मत है तो इसके मुंह के सामने खड़े होके। लेकिन ये वहाँ नहीं खड़ा होने देगी, ये देखो बहुत चलते हैं इसके। और इसके जो सींग है ना, वे पहले से ऑलरेडी भगवान ने नीचे को बनाए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था ये खूब जो है बदी करेगी अपने जीवन काल में, तो इसका पहले इंतजाम कर रखा है। और फिर भी जो है मानते नहीं। ठंडा ठंडा कूल कूल, बारिश तो हो नहीं रही है और इन्हें दिन में कभी कभी तो दो बार नहलाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। शाम के 3 बजे भी, शाम के मतलब दोपहर के बाद वाले जो 3 बजते हैं उस टाइम, तो
पूरी आग बरसती है, तो इसलिए तब भी इन्हें एक बार नहलाना पड़ता है, गाय को छोड़कर भैंस को, क्योंकि भैंस को ज़्यादा गर्मी लगती है। ये वातानुकूलित नहीं है भैंस, गाय जो है वो वातानुकूलित होती है, वो अपने आप को डाल लेती है गर्मी में भी। लेकिन ये जो ब्रीड हैं फिर भी वो देसी गाय हैं, ये गाय के जो ब्रीड हैं ये कमी झेलते हैं गर्मी, इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। गर्मी के दौरान बारिश हो जाती तो ये काम कुछ कम हो जाता, लेकिन ये ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्या चाट रही है, जीभ घुमा रही, ये देखो। इसके आसपास ना 3 सदस्यों को छोड़ के घर के कोई भी आ जाए, बस बस मैं तो बहुत दूर खड़ा अभी। और इनके जो पंजे हैं वे भी धोने पड़ते हैं, पंजों से बहुत ज़्यादा बीमारियां चलती हैं इनमें, और काश इनके भी जूते बना देती कोई कंपनी तो काफ़ी अच्छा रहता। तो जैसे कई दिनों बाद नंबर लगता है इन्हें नहलाने का, और ये जो हैं टक्कर लेके भागते हैं मारने की ओर, तो कैसा महसूस होता है? कैसा भी नहीं होता महसूस, तो बस थोड़ा सा डर लगे कि कहीं पीछे से टक्कर न मार दे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके सींग जो हैं वो नीचे की तरफ रुख है उनका, तो इसमें ज़्यादा डरने की तो कोई बात नहीं। फिर इतना डर क्यों कि पिछवाड़े की तरफ से नहला रहे हो इसे? मुंह तो इतना ही काम करेगा, सींग से क्या है, फूंदे ही ना कर गावे एकदम ते। तो मतलब सिर तक कर देगी या सींगों का काम भी? 2 महीने तक अरविंद भैया ने नहला इसको, उनके साथ भी ऐसा ही करे थी, देख लो ऐसी भैंस है या। और ये ऐसी ही है, और मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं वैसी क्यों हूँ, तो मैं ऐसे ही हूँ। बस इसका मुझे ही करा, तेरे सिर में ही पानी गिर हो जाए, सिर में ज़्यादा गर्माहट है इसके। नहीं, सिर में पानी गिरने के लिए नहीं कहती है, तो सिर के आगे आके देगी इसके एक बार, फिर पता चलेगा क्या कह रहा है ये। देखो हलचल है, इधर घूमो घुमाइए। इतनी भी डरती मैं इससे, एक दिन मैं कहती ला मार मार मार, अरिया खड़ी होगी नतमस्तक। नहीं चलो खैर। लाली अपना नाश्ता ढूंढ रही थी नाते ही, और इसका राशन इसे मिल गया है। अब पता नहीं, मुझे तो यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है क्या, लेकिन है ज़रूर नाश्ता इसमें कुछ ना कुछ, चारे के अलावा। मट्ठा और रोटी चाहिए होती है, और इसमें है मट्ठा और रोटी, और इसे रोज़ इसी तरह का नाश्ता दिया जाता है। दिया तो उसे भी जाता है, लेकिन वो देखो कैसे झाँक रही, वो बहुत नखरे वाली है, इसलिए उसे अब दिया भी नहीं जाता। खैर कोई बात नहीं, उसे जो खाना वो खा लेगी, और उसे जो पसंद है वो खा लेगी। अभी फ़िलहाल ये अपने नाश्ते पे लग चुकी है। लाली नीचे नहीं गिराना, वेस्ट नहीं करना है, ढंग से खाना सीख लो। तो देखिए पशु मैंने सारे नहला दिए हैं, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी कर दी है, खोर भी साफ़ कर दी है इनकी। अब बस जो है 10 बजे यहाँ का काम शुरू होगा, यानी कि इनके ऊपर धूप आ जाएगी, तो इन्हें छाँव में यहाँ पर बांधना है, यहाँ पर छाँ आ जाएगी टीन के नीचे, और जहाँ पर लाली और जुमिया बैठते हैं वहाँ पर और साफ़ सफाई रह रही है। अभी झाड़ू लगाऊँगी, वहाँ पर गोबर पड़ाया वो उठाऊँगी, और उसके बाद नहाऊँगी और फिर करूँगी नाश्ता, और आपको मिलेंगे नाश्ता करने के बाद में। नंदनी बैट से खेल रही है, ये देखिए नंदनी, आवाज लगाइए। ए नंदनी बोल नहीं दी गई तुझे? नंदनी हेलो बोल दो सबको। नंदनी गुड्डू कितने का हो रहा मैच? ये तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, यहाँ पर बैडमिंटन मैच हो रहा है, देखिए गुड्डू का और उसकी चाची का, ये देखो।
और नंदनी ने देख देख कर दोनों को बहुत खुश है, है? अच्छा ये देखो क्या कह रही थी यार उसी, कहाँ से लाए थे तुम ये चिड़िया बल्ला? मम्मा के साथ। कौन से? आप भी गए थे ना वहाँ? हाँ मैं भी गई थी। कौन से मम्मा के गए थे तो बताओ? रवि मम्मा के। रवि मम्मा के? रवि मम्मा को थैंक यू बोल दो, बोल दो रवि मामा जी थैंक यू, आपने हमें बैडमिंटन दिया है, बोल दो बेटा। हैं? और ये नंदनी क्या कर रही है आरुषि? ये खेल रही है बैट बॉल, कितनी देर से बैठी है आराम से, इसे कोई खेलने का सामान तो देता नीचे छोड़ दे। देख बड़े वाली बॉल दे दी से।